हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज सबसे पहले दूंगी मैं सबको करवा चौथ के ढेर सारे शुभकामनाएँ सभी सुहागनों को। और तो हमारा भी जो है आज करवा चौथ का फास्ट है। अभी जो है मॉर्निंग के टाइम हो रहा है 10 o'clock। तो अभी तो साड़ी नहीं पहनी है हमने, क्योंकि शाम के टाइम 3 या 4 बजे ऐसे ही कुछ पहनेंगे। और तो आज के दिन जो है न्यू कपड़े जो है पहनते हैं। तो अभी मैंने पहनी है आज पर्पल कलर की कुर्ती नई वाली, और साड़ी जो है शाम को पहनेंगे। और अभी पहनने मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, तो मैं पहनूंगी फिर सबसे पहले चूड़ियाँ, और आप भी वीडियो में बने रहिए। तो मैंने जो चूड़ियाँ ली हैं वो ली हैं रेड कलर की, देख सकते हैं पास से, क्योंकि रेड ही आज के दिन अच्छा लगता है। और इसके साथ मैंने लिए हैं कड़े, पीछे पहनने के लिए। कैसे लग रहे हैं आप सबको जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैं इन्हें पहनूंगी, क्योंकि मेरे हाथ में अभी सिर्फ ओनली 1 चूड़ी है, क्योंकि काम वाम करने के बाद जो है ये सब करना अच्छा लगता है, और ये सब करके काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं अभी जो है इसको पहन रही हूँ। क्योंकि वैसे ही चूड़ी टूट जाती है ना, और मैंने पहले बोरो प्लस लगा लिया है हाथों में बहुत ज़्यादा, ताकि फिसलन होगी तो वो आराम से चले जाएंगे। और ये देखिए मेरी मेहंदी काफ़ी डार्क जो है मेहंदी मेरी लगी हुई है। तो मैंने पहन ली है चूड़ियाँ अपने हाथ में, ये देख सकते हैं आप कैसी लग रही है। इसके जो आगे पीछे के जो कड़े हैं वो मैंने लिए मल्टी कलर में, ताकि साड़ी जो साड़ी में ये आ जाता है ये वाला कलर, क्योंकि इसमें कलर जो अच्छे होते हैं, मतलब मल्टी कलर होते हैं, तरह तरह के कलर्स इसमें होते हैं, लगभग सारे कलर्स ही मल्टी कलर के अंदर आ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सब लिया है। और जो साड़ी मैंने ली है वो मैं दिखाऊंगी आपको, आप बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों जो मेरी साड़ी है वो साड़ी मेरी है रेड और ग्रे कलर की, क्योंकि मुझे ग्रे कलर जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये इस टाइप के कलर्स होते हैं कि हम इन्हें जो है पार्टीज वगैरह में भी पहन सकते हैं। लेकिन जो रेड कलर अगर हम लेते हैं अगर मोस्टली अगर हम रेड कलर लेते हैं तो वो मंदिरों में और शादी ब्याह में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन ये जो कलर होते हैं ये थोड़ा हट के होते हैं, और इसीलिए मैंने ये कलर लिया है। लेकिन रेड भी इसमें है, ये ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि हमारे कल्चर में रेड को जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और इसके साथ का जो ब्लाउज है मेरा वो इस टाइप का है, ऐसा इसमें ब्लाउज है, ये देख सकते हैं आप इसका ब्लाउज कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है इसका। तो दोस्तों अभी मैंने बस इतना ही दिखाने के लिए जो है आपको आप मतलब आपके लिए छोटी सी वीडियो बना रखी है, बाकी का जो वीडियो है वो शाम के बाद बनाऊंगी और आपके लिए ज़रूर मैं अपलोड करूंगी उसको, मे बी पॉसिबल। तो नहीं तो शाम तक थोड़ा सा मतलब थकान से फील तो हो ही जाती है, इसीलिए जितना भी बन पाएगा मैं बनाने की कोशिश आपके लिए करूंगी। तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड व्यस्त रहिए। बाय बाय।